तो आज के वीडियो में हमारे साथ हैं नौशाद भाई, जो सारी बातें बताएंगे सेकंड हैंड लैपटॉप होते कैसे हैं, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इस मुकाम पर ये कैसे आए। अच्छा, इस लैपटॉप को पहले आप खुद चलाकर टेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जैसे कोई भी लैपटॉप हम लोग की कंपनी लाती है, पहले इसको तीन लेयर में टेस्ट होता है। सेकंड हैंड लैपटॉप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मिनिमम, कि जो लोग अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। कैसे आप सभी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई हम हर वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक वीडियो लैपटॉप की, सेकंड हैंड लैपटॉप की वीडियो दिखाते हैं। आप लोग जान भी रहे हैं कि ट्रिम टेक्निकल एक ऐसा चैनल है जिस चैनल पर सबसे ज़्यादा सेकंड हैंड लैपटॉप की वीडियो आती है ऑल ओवर इंडिया से, लेकिन कभी मैंने इस बारे में जाना नहीं कि सेकंड हैंड लैपटॉप होते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं। और आज की वीडियो में हम अल्फा सॉल्यूशन में हैं, जो कि ये बिहार की राजधानी पटना में शॉप लोकेटेड है, बहुत अभी ट्रेंड में भी है। अल्फा सॉल्यूशन एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड कर रहा है, या भागलपुर हो, या दिल्ली हो, या रांची हो, या कोलकाता हो, या फिर जहाँ खड़े हैं अभी पटना हो, तो सारे लोग इस शॉप को अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूँ, एक अल्फा सॉल्यूशन है जो सेकंड हैंड लैपटॉप में डील करता है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं नौशाद भाई, जो सारी बातें बताएंगे सेकंड हैंड लैपटॉप होते कैसे हैं, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और इस मुकाम पर ये कैसे आए हैं, सारी डिटेल हमारे साथ नौशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत है जी। वेलकम है सर। कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। और सभी व्यूअर को सबसे पहले मुबारकबाद कि आप लोग तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप टीम टेक्निकल 07 को लाइक करते हैं, देखते हैं, कमेंट करते हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले सभी को थैंक यू, धन्यवाद सर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ये जो सेकंड हैंड लैपटॉप होते हैं जी, वाकई में कैसे होते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जी सवाल बहुत बढ़िया है। हाँ। और ये अल्फा सॉल्यूशन आज से कुछ साल पहले 2014 के करीब में कंपनी ने लॉन्च किया कि कुछ करना चाहिए देशवासी के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि बजट नए लैपटॉप का बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ। और नया बजट इतना ज्यादा होता है कि उतना बजट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। राइट। इतना ज्यादा बजट हो जाने के कारण जो गरीब लोग हैं, जो स्टूडेंट मध्यम वर्ग के हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो ये सबको देखते हुए हमारी टीम ने कोशिश किया कि हर काम को छोड़ के एक संकल्प लिया जाए कि लोगों को कम से कम प्राइस में लैपटॉप मुहैया कराया जाए। कैसे? लोगों को दिया जाए लैपटॉप कैसे? ये कब संभव हो पाया? जब हम लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी है, अंबानी की कंपनी, अडानी की कंपनी, रिलायंस, जियो, आपका अभी ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक से एक टाटा की कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है। ये लोगों का क्या कार्य है कि वो अपने इम्प्लाई को लैपटॉप देते हैं, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। और एक साल तक यूज करवाते हैं, ठीक है? और एक साल के बाद वो लैपटॉप उन लोगों को चेंज करना रहता है। अच्छा। और वो स्क्रैप हो जाता था लैपटॉप, क्या होता था वो जो रिसाइकलिंग कंपनी है इंडिया में 15-16 कंपनी, वो उससे खरीद के रिसाइकलिंग कर देती थी, मतलब इसको डिस्ट्रॉय करके फिर से इसका पार्ट्स नए में लग जाता था, ठीक है? तो हम लोगों ने इसी काम को क्या किया, सपोज ये यूज कर लिया कंपनी ने, ये लैपटॉप कंपनी यूज्ड है, ये ICICI बैंक से आया लैपटॉप, अगर ये लैपटॉप ICICI बैंक यूज किया अपना एक साल दो साल जो भी दिन यूज किए, अब ये अगर ये मार्केट में रिसाइकलिंग करेंगे इसका वैल्यू बहुत कम हो जाता था। बिल्कुल। ये 1 लाख का लैपटॉप है और ICICI बैंक इसको 15-20 हज़ार में बेच देती है कंपनी को। अच्छा। और ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोगों को, स्टूडेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। हम लोग टेंडर भर के हम लोग वो माल परचेज कर ले रहे हैं। हाँ। और ये लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लैपटॉप वाकई में बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है? दो तरह का मार्केट में मटेरियल आता है, एक कॉमर्शियल आता है, एक होम यूज आता है। तो हम लोग के पास जो मटेरियल होता है ये कॉमर्शियल यूज वाला मटेरियल होता है। इससे क्या है ना, आप पढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, प्लस ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया का हर वो काम आप इस लैपटॉप में कर सकते हैं और वो भी कम कीमत पे। अच्छा, ये अच्छा, और हाँ। ये इसलिए लेना चाहिए क्योंकि पहला तो बजट कम है, बिल्कुल एकदम 5,000 से शुरू हो जाता है लैपटॉप आपके पास। हाँ, मेरे पास 5,000 से लेके 50,000 तक का बजट का लैपटॉप है, प्लस 10-20 हज़ार अगर आप बजट लगा दिए ना, समझिए बहुत बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप आपने ले लिया। इस लैपटॉप को जो आपसे लेते हैं, लैपटॉप होते हैं, इन्हें कितने दिनों तक यूज करना चाहिए? जैसे नए लैपटॉप को कंपनी 1 साल तक यूज करती है, जी, सेम लैपटॉप, जी, ठीक है? तो सेकंड हैंड जब लैपटॉप मैंने आपसे लिया, जी, इस लैपटॉप को कितना दिन यूज करना चाहिए? इसका एवरेज आयु 5 साल होता है। 5 साल कोई भी सेकंड हैंड लैपटॉप आप खरीदते हैं, एवरेज आयु 5 साल होता है। हाँ। और इसमें देखिए, सेकंड हैंड लैपटॉप में 2-3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का? पहला तो ये डैमेज नहीं हो,
टूटा फूटा नहीं हो, स्क्रीन सही सलामत हो, दूसरा बैटरी बैकअप कम से कम 1 घंटा प्लस चलना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैटरी। 1 घंटा से कम बैटरी वाला लैपटॉप बैकअप वाला आप ना खरीदें, प्लस जब ये खरीदें तो 2-4 मिनट आप चार्ज करके देख लें, क्या कर रहे हैं, चार्ज करके देख लें, चार्ज थोड़ा सा स्लो बढ़ना चाहिए। अगर स्पीड में चार्ज हो रहा है तो समझिए उसका बैकअप कम आएगा, ठीक है। प्लस जहां से खरीदें आप ऐसे प्लेस से खरीदें कि वो गारंटी वारंटी दे रही है कि नहीं कंपनी, हाँ ऑथराइज शॉप से खरीदिए, क्योंकि बिल का मसला होता है, बिल मिलना चाहिए। आप बहुत सारे दुकान है जो जीएसटी पे देते हैं, तो हम कोशिश करें आप जहाँ पे जीएसटी बिल के साथ माल मिले वहाँ से आप माल खरीदें। अच्छा नौसाद भाई, ऐसा भी होता होगा ना, सेकंड हैंड लैपटॉप है, कंपनी यूज करती है, बहुत सारे ऐसे भी, अगर मैं 10 लैपटॉप यूज कर रहा हूँ एक बार में तो ये कंपलसरी है कि उसमें एक लैपटॉप कभी कभी खराब हो ही जाता है, कभी डिस्प्ले खराब हो जाता है, कभी कीबोर्ड खराब हो जाता है। तो ये जो लैपटॉप होते हैं आपके पास, ये रिपेयर के होते हैं या नहीं? नहीं, रिपेयर वाला ये बिल्कुल नहीं होता है। ये जितने लैपटॉप्स होते हैं ये कंपनी यूज होता है। अच्छा, इसको आप रिफर्बिश बोल सकते हैं, ओल्ड लैपटॉप बोल सकते हैं। अच्छा, इस लैपटॉप को पहले आप खुद चलाकर टेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जैसे कोई भी लैपटॉप हम लोग की कंपनी लाती है, पहले इसको 3 लेयर में टेस्ट होता है। मेरा जो टीम है वो देखिए, आप दिखा सकते हैं इसमें क्या प्रोसेसर है, क्या रैम है, क्या हार्ड डिस्क है, इसका यूएसबी ओके है कि नहीं, हार्ड डिस्क हेल्थ क्या है, सारा कुछ टेस्ट करने के बाद तब जाके कंप्लीट हम लोग कस्टमर के सामने ये देते हैं, ताकि कस्टमर को आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो, प्लस साथ में गारंटी और वारंटी भी प्रोवाइड करो। अच्छा, इस लैपटॉप में जैसे अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मैं आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ अच्छे से, बिल्कुल, ये सारे लैपटॉप में अभी के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल बिल्कुल काम वर्क करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। आप जो भी लैपटॉप लेंगे, जो आपका काम है उसमें सारे में काम होगा, अगर इन केस नहीं होता है, निगेटिव में चलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका अगर काम नहीं हो तो कंपनी अल्फा सॉल्यूशन आपको क्या कर रही है, ऑथराइज कर रही है कि अगर आपका काम नहीं हो लाके दीजिए, दूसरा लैपटॉप वैसा लैपटॉप देंगे जिसमें आपका काम हो सके। अगर दूसरे में भी काम नहीं हुआ, 2-3 बार आप ट्राई कीजिए, अगर काम नहीं हुआ तो आपका फुल पेमेंट रिफंड हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपकी गारंटी वारंटी का स्कीम, बिल्कुल ठीक है। अगर लोग बहुत सारे ऐसे हैं ना जो भी बेरोजगार बैठे हैं, जी बिल्कुल, सेकंड हैंड लैपटॉप का बिजनेस करना सही है या गलत, सही मतलब करना चाहिए या नहीं, रिस्क लेना चाहिए या फिर इसमें सक्सेस है? दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसमें रिस्क नहीं है? सबसे पहला सवाल, कोई ऐसा काम नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, 10th में नौकरी नहीं लगना है, 12th कर रहे हैं नौकरी नहीं लगना है, आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं या जो भी कोर्स करते हैं, कंप्लीट कोर्स करते हैं, उसके बाद एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद नौकरी का लोग सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह बिजनेस है। बिजनेस में, बिजनेस का एक उसूल है, आप शुरू में आपको कुछ नहीं प्रॉफिट आएगा, 1 साल तक आपको झेलना पड़ेगा 365 दिन। बिजनेस के ज्ञानी प्रफुल्ल कहते हैं, जो चाय MBA वाला आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, बहुत सारे वो कहते हैं सक्सेस लोग में से एक है, वो कहते हैं कि 1000 दिन आप बिजनेस को दे दो, उसके बाद आप प्रॉफिट का सोचो। मामूली आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब में आ रहे हैं, तो यूट्यूबर आप भी हैं शहनवाज भाई, आप 1 साल से पहले क्या आपने कमाया था पैसा, आप अपनी जुबानी बताइए, नहीं कमाया होगा भाई। प्यार होता है ना, किस मुकाम पर ले जाए किसको, जी बिल्कुल, कोई नहीं जानता है जी। इसलिए कोई भी काम है रिस्क लीजिए, जब तक आप बेरोजगार बैठे कुछ ना कुछ कीजिए। जरूरी नहीं कि लैपटॉप बेचिए, हम लैपटॉप बेचने का सलाह आपको ऐसा नहीं कर रहे, नहीं बेचना है, लैपटॉप बेचिए, मोबाइल बेचिए, काम कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। ओ, 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 तो ऐसा काम आपको करना है ताकि लोग आपका मिसाल बन जाए। आज शहनवाज भाई का लोग मिसाल दे रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में यूट्यूबर है लेकिन शहनवाज भाई कहते हैं भाई देखिए शहनवाज भाई का वीडियो देखे कैसे मेहनत किया है, आगे बढ़ाए, तभी आप शुरू से सोचिएगा आज हम कैमरा उठाए कल मेरा यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो जाए, नहीं आएगा भाई। वो तो बात की बात है, पैसा रखना चाहिए आपको, अंदर पैसन भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ना भाई कि आप वो काम करना चाहिए जिस काम में आपको महारत हासिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये नहीं कि हम अगर यूट्यूबर हैं नौसाद भाई के काम कर ले तो भाई हमसे नहीं होने वाला, जी जी, अगर नौसाद भाई मेरी काम करेंगे तो इनसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो जिसको जिस फील्ड में नॉलेज है उसी फील्ड में जाएं। और सेकंड में लैपटॉप की बात रही तो नौसाद भाई बहुत सारी बात बताएं। अच्छा, एक और लास्ट बात हमसे जानना चाहेंगे, सेकंड हैंड लैपटॉप कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मिनिमम कि जो लोग अच्छे से यूज कर सके? 10,000 से लेके मिनिमम 20,000 के बीच आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, 10 से 25 तक जा सकते हैं लास्ट। अच्छा, 10 से 25 के बीच में बढ़िया से बढ़िया एवरेज लैपटॉप आपके काम के लायक, चाहे आप जितना भी बड़ा से बड़ा काम करें मिल जाएगा। कल हम एक और बात जो कि हम शुरू में पूछने वाले थे, जी
अल्फा सॉल्यूशन अभी तक कहाँ कहाँ पर पहुँचे? जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्फा सॉल्यूशन अभी पटना, दिल्ली, भागलपुर, रांची, कोलकाता, मुंबई, आपका गोड्डा जिला में एक जिला हनवारा, मतलब हर जगह पहुँच चुकी है। अभी 8 ब्रांच रिसेंटली चल रहा है और 2023 और 24 का मिशन है कि 10 ब्रांच और खोला जाए ताकि लोग पढ़ सके, लोग आगे बढ़ सके और मेरा देश आगे बढ़ सके। अच्छा, आपसे अल्फा सॉल्यूशन का लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप फ्रेंचाइजी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं हम लोग से जुड़ के। तो आप एक बार आइए और हम लोग से मीटिंग कीजिए, मेरी टीम से, ठीक है? आप भी कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और क्या कहें हम, बिल्कुल आप बिजनेस करेंगे जरूर कमाएंगे। कमाने के बाद नौशाद भाई की कहानी बहुत लंबी है, हम दूसरे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि नौशाद भाई इस मुकाम पर कैसे आए। जी बिल्कुल, है ना। और अगर ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें अपने कमेंट को कि वाकई में लैपटॉप के बारे में आपको क्या जानना है। जी बिल्कुल, अल्फा सॉल्यूशन के बारे में क्या जानना है, सेकंड हैंड लैपटॉप के बारे में क्या जानना है, क्या आप कमेंट बॉक्स में रखें, हम सारे कमेंट को रीड करते हैं। ये अलग बात है कि रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, रीड करते हैं, बाकी कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाते, कभी कर भी देते। बिल्कुल, तो उस चीज़ का आई एम रियली सॉरी जब रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, करते हैं तो वेल एंड गुड है भाई आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको बताना है कि क्या अल्फा सॉल्यूशन की सच्चाई जानी जाए, कैसे इस मुकाम पर आए, क्या कैसे कितने स्ट्रगल किए हैं, कितने रुपए से लैपटॉप स्टार्ट किए थे, सारे कुछ जानेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।